व्हाट्सअप गाइस, कपिल शर्मा शो से आप लोग के लिए अनसेंसर्ड एपिसोड लेके आए हैं जिसमें धमाका की स्टार कास्ट आई थी, कार्तिक आर्यन, मृणाल ठाकुर, और सबसे बढ़िया बात ये होती है अनसेंसर्ड में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लाइव में नहीं उसमें हम जो प्रॉपर एपिसोड में देख पाते हैं, बिहाइंड द सीन काइंड ऑफ भी कह सकते हो। और कार्तिक आर्यन जब आते हैं भाई फुल मस्ती में आते हैं, फुल मस्ती वाला माहौल होता है, अपने आप को ना वो शाय फील नहीं कराता कभी भी, पूरा कॉमेडी में घुस जाते हैं। कपिल के सामने वैसे भी कोई शाय फील करता नहीं है क्योंकि वो बुलवाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना ताकि और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट करके बताना और कमेंट साहब रिएक्शन चाहते हो। भाई साहब स्वाद आने वाले, रेडी 1 2 3 गो। तो चलिए इनकी कमाई की बात करते हैं। कमाई की बात शहजादा फिल्म के लिए बोलते कि आपने बहुत ज्यादा चार्ज किया है, तो ये आपकी सच्ची में फीस ज्यादा हो गई है या फिल्म का टाइटल आपने देखा शहजादा है तो आप ज्यादा मांग लो? भाजी ऐसा होता तो हर पिक्चर का नाम शहजादा रखता मैं। अच्छा मैंने एक और बात सुनी अर्चना जी, आपको पता है ओटीटी पे सबसे महंगी बिकी है इनकी फिल्म भाई साहब की, सबसे महंगी धमाका, क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। पर नॉर्मली कभी कभी होता है ना, हम कोई महंगी चीज जब खरीद लेते हैं तो फिर हम बाकी खर्चों में कटौती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मटर पनीर खा रहे हैं तो आलू मटर पे आ जाते हैं। तो आपने जब इतनी महंगी फिल्म बेची, आपने जाके उनको देखा भाई साहब को जिनको बेची कि वो सूट बूट में ये लुंगी बनियान में आ गए? वो पहले लुंगी बनियान में आ चुके थे। क्यों? बस ऐसे ही वो लेने से पहले हो जाता। कार्तिक का फिल्म में एक डायलॉग है, जो कहूंगा सच कहूंगा, तो जनता के कुछ सवाल हैं, इल्जाम है, बल्कि इल्जाम लिख के दिए बकायदा, कहते जब कार्तिक आए तो आप पूछिएगा सच सच कहूंगा मोमेंट। ओके सच सच। तो आप पर पहला आरोप ये है कि आपको अपनी किसी को स्टार से प्यार नहीं होता, खाली प्रमोशन करने के लिए आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। इज इट ट्रू? ट्रू। बताओ बताओ। कंट्रोवर्सी थोड़ी है, ये तो रोमांस ही है, मोहब्बत ही फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं फैलाया। बहुत अच्छी बात। मैंने नहीं फैलाया। कितना कूल, बहुत अच्छी बात है। तू नहीं। ओके, आप पे ये एक और इल्जाम है कि आपको दोस्ताना रास नहीं आता, ये इल्जाम सही है? दोस्ताना वो उससे छोड़ दे रहे मुझे। नहीं, ये भी झूठ है। कहते हैं कि आप दिखने में भले ही क्यूट हैं लेकिन आपके अंदर एक शरारती बच्चा छुपा हुआ है, ये सच है? वो बच्चा छुपा रहना चाहिए, छुपाना आता है। आपके ऊपर एक और इल्जाम है कि रोमांटिक सीन में आप जानबूझ के रिटेक करते हैं। रोमांटिक सीन में जानबूझ के रिटेक करते हैं कभी कभी। ये बढ़िया था। कार्तिक एक बात बता लो, जैसे मैंने इसमें देखा, इसमें आपका नाम जो है बड़ा मैच्योर सा नाम साउंड करता है, अर्जुन पाठक, इससे पहले सोनू, गुड्डू, यही नाम होते थे, रज्जो, गोगो। तो ये आपने डायरेक्टर को खुद बोला कि गोगो वोगो बोल के लड़कियां गाल खींच जाती, मेरे को कोई बड़ा नाम दो? बड़ा अर्जुन पाठक। अर्जुन पाठक नहीं, मैंने ऐसा बोला नहीं, उनको ऐसा लगता था कि इसका नाम गुड्डू, देख के क्यूट सा नाम, इसका नाम सोनू हो सकता है, गुड्डू हो सकता है, रज्जो, रामासवानी सर को लगा इसका नाम अर्जुन पाठक हो सकता है। अच्छी बात है। मृणाल आपका निकनेम क्या है? गोली। गोली क्यों? आप गोली दे देती हैं लोगों को क्या? मारने का मन होता था सबको। ओहो ठाकुर साहब, आप तो गुस्सा ही कर गए, क्यों क्यों आपका मन ऐसे क्यों होता था गोली मारने का? I had boycott, मतलब आपसे भी छोटे बाल थे मेरे, तो फिर सबको लगता था कि मैं लड़का हूँ तो बहुत गुस्सा आता था, एंड लाइक मृणाल एक ऐसा नाम है, ये तो लड़कों का नाम है। अब देख रहे होंगे, मर रहे होंगे सोच सोच के। आई स्वेयर कपिल, जो मैसेज आता कि हाँ, एंड में एक आता है डिस्क्लेमर, PS, व्हाई विल यू रिप्लाई, यू आर अ बिग स्टार नाउ, यू विल हैव लॉट ऑफ एटीट्यूड, एंड आई रिप्लाई टू दैट पर्सन, आई बी लाइक, तूने जो किया ना, तूने जो जो चीजें मुझे बोली है ना बचपन में, दैट यू आर अ बॉय एंड ऑल दैट नास्टी स्टफ, अब पता चल के इज लाइक, हाँ यार अब तो तू बड़ी हॉट हो गई, आई सेड टॉक टू माय हैंड एंड गेट लॉस्ट। ये बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत परेशान। इतना गुस्सा तो किसी को उसी पे आता है जिस पे कभी प्यार भी रहा हो। उनका मिरर तो दूसरी साइड होता है। मिरर
देखती कहाँ है? नहीं दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। कार्तिक बोलता अर्चना जी का मिरर तो इस तरफ होता है हमारी तरफ, मैं कहा दोनों तरफ है। दोनों तरफ नजर रखे। ये बिहाइंड द सीन की ये तीनों से बात पूछनी है। इतने तीखे मुंह ये कैसे करते हो आप लोग? हमारी गर्दन हमारी ठुड्डी के वजह से छुप जाती है। क्या खाते हो आप लोग? ये शादी ना होने के और बॉयफ्रेंड्स ना होने के काफी मैं तो शादीशुदा हूं यार। ओ या सॉरी सो मैं रनिंग। आप क्या करते हो? और तीखी नजरों से देखो सभी जगह। आप बहुत स्वीट से देखते हो ना, इसलिए शायद मतलब स्वीट खाने से जैसे वजन बढ़ता है, शायद हो सकता है कि स्वीट देखने से भी बढ़ता हो सर। अच्छा आप रनिंग करती हो, इतनी खूबसूरत बात बोली आपने। पर दुर्भाग्य हम दोनों शादीशुदा हैं। दुर्भाग्य। ऐसी कौन सी चीजें जिनसे आप धमाका कर सकते हो? तीन ऐसी चीजें सच वाले बोलने। एक तो आपकी फिल्म, एक तो धमाका, धमाका ने धमाका कर दिया। एक बोल दिया मैंने, अब दो आप बोलो। तो मेरा एक था, एक फिल्म उससे धमाका कर ही रहे, एक कपिल शर्मा के शो में आ गए, वो धमाका हो गया। तीसरा दिवाली पे पटाखे, दिवाली पे धमाका होते ही है। वाओ, 5 सेकंड बोला था, 15 सेकंड में जवाब दे दिया। ओके लास्ट क्वेश्चन अमृता जी आपका। हाँ जी। तीन चीजें जो हम वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं कपड़ों के अलावा। कुछ भी, शूज। शूज यस। माइक। माइक तो ज्यादा हो जाएगा, करंट लग जाएगा। ये नहीं बोला ना कि धो सकते हैं बिना खराब हुए। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी धो सकते हैं, कोई भी धो सकते हैं। मैं खुद जा सकती हूँ वॉशिंग मशीन में। सीधे डुबके वाला कमाल था, सीरियसली। यही तो है हमारा शो, हमें खुद नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। मजा आ रहा है तो आ रहा है, बोल ना जिंदगी की। अमृता जी आप खुद इतनी यंग हैं, गली बॉय में आप रणवीर की जब माँ बनी, आपको इस बात की खुशी थी कि मैं गली बॉय कर रही हूँ कि इस बात का दुख था कि मैं रणवीर की माँ क्यों बन रही हूँ? एज चुराती है, मतलब कम बताती है। आपने शायद ये रोल हासिल करने के लिए एज बढ़ा के बताया था, ऐसे वो मुझे कहता था। लेकिन मुझे वो किरदार बहुत पसंद आया। And you did it amazingly well. बात बताइए, ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो आपको आपके काम की तारीफ के ज्यादा फोन आए कि ये वाले फोन ज्यादा आए कि अरे कार्तिक, अपने सर्कल में होती है ना लड़कियां, कार्तिक से मेरी बात कराओ ना? हेलो ऐसा हो मत, मतलब मुझे एक बताना है सबको। मैंने कार्तिक को बोल के रखा है कि अपने फैंस को बताओ कि बाकी वक्त मैंने बहुत अच्छा बर्ताव किया है, भले फिल्म में मैंने थोड़ा सा बॉसी बर्ताव किया हो, तो आपको बताना पड़ेगा। और बहुत लड़कियां पीछे मेरे पड़ी इसके लिए कि इसको इससे गुस्सा कर जाती हैं वो टीनेजर लड़कियां। अरे आपने कैसे डांटा है ना, बाप रे, वही मुझे डर लग रहा है मेरे से तो प्यार से बात करते हो। बट इवन माय फ्रेंड्स आर लाइक कार्तिक को बोलो अपना डीएम पढ़ ले, एंड आई एम लाइक क्या पढ़ लेना प्लीज सबके लिए। इंस्टाग्राम हैंडल हो सकता पढ़ भी लेता हूँ, फिल्म तो 10 दिन में खत्म होगी, बाकी 30 दिन क्या किया। अमृता जी एनएसडी से भी हैं, मैंने देखा सेक्रेट गेम्स में आपने नवाज भाई को बड़ा तंग किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को बहुत तंग किया आपने, इसका कोई रीजन ये तो नहीं था कि एनएसडी के दिनों में उन्होंने आपको तंग किया था? हाँ मतलब वो मेरे सीनियर हैं, बहुत सीनियर है वो मेरे। अच्छा ये सुनकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि सेक्रेट गेम्स में मुझे ताई ताई बुलाने में उसको बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा मैं तुझे ताई बुलाऊंगा, मैंने कहा अच्छा। लेकिन ऑन स्क्रीन में उनको बड़ा तंग कर रही थी, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो मेरी बड़ी खींचते थे। अच्छा क्योंकि अच्छा, मुझे बहुत बोलना था और वो सुन रहा है ना पूरा, तो मेरे डायलॉग्स मतलब, और वो सारे ऐसे बबोचो वगैरह कुछ नाम थे ना उसमें, अजीब अजीब से नाम थे यार जो याद करने थे। तो नवाज ऐसे आता था, मुझे देखता था कि अभी इसको बहुत याद करना है, फिर अनुराग को बोलता था यार मेरा तो हो गया याद क्योंकि उसको कुछ था ही नहीं। अरे तेरा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अरे इसके लिए रुकते हैं यार, इसका नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ है तो ऐसे बहुत मेरी खींचता था। लेकिन बहुत पुराना दोस्त है तो बहुत मजा आता उसके साथ काम करने में, रमन राघव से हमारी मतलब ऑन स्क्रीन। आप दोनों के सीन्स कमाल के थे उस। थैंक यू। कार्तिक हमने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है कि आप बचपन में मेले में खो गए थे। मम्मी पापा छोड़ गए थे मुझे। छोड़ गए थे गलती से। आपको पता हमारी बड़ी सिमिलर स्टोरी है। क्या? मेरे भी मम्मी मेरे को मेले में लेके गई थी कहीं और फिर मैं भी घूम गया। सोचो मम्मी तुम्हारा कितना नुकसान होता। मम्मी मुझे ढूंढ रही है, मुझे बहुत धुंधला याद है, 5-6 साल का होऊंगा शायद, पता नहीं। तो मुझे कोई उठा के लेके आ रहा है और मम्मी और मेरी मासी
और जो मुझे उठा के ला रहा है उसने ढूंढा बेचारा, वो अनाउंसमेंट जहां हो रही है वहां पे देने गया, और मेरी मम्मी तो सीधा उसकी दाढ़ी पकड़ी, तेरे पास मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उफ, मैंने मेरी माँ को पहली बार इतने गुस्से में देखा, हालांकि भूली आप थी मुझे पता है, कहीं मोबाइल रख के नहीं भूल जाते, तो बच्चा रख के भूल गई। मैं पता नहीं मम्मी कितने साल का हूँ, चार साल का सीखा, मेमोरी देखो मेरी तब से शार्प है। अब आपके मुद्दे पे आते, ये कब हुआ था, क्या हुआ था? मैं आई थिंक कितने 5 साल का था, मम्मी कितना, हाँ बोल, 5 साल। कितना नुकसान होता आपका भी। बहुत बोल रही है। बहुत नुकसान, प्यार का। अच्छा, जब आप गुम हुए होंगे, अनाउंसमेंट तो हुई होगी, मेरी भी हुई थी। हाँ ना, तो आप मोनोलॉग बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप बड़े टैलेंटेड हैं, एक सांस में कितनी सारी चीजें बोल जाते हैं। अगर मान लो किसी का बच्चा गुम हुआ है, आपने अनाउंसमेंट करनी है मेले में लंबी सारी, आइए मंच पे आइए जरा। ये कहाँ से? पांच साल का ही था मैं तब जब ये हुआ था, तो मेला जो होता है ना, तो उसमें कई बार ऐसे चीजें हो जाती हैं, ऐसे बच्चे अच्छे खो जाते हैं, तो अनाउंसमेंट होता है, वो स्पीकर होता है वो बोबू वाला, तो ऐसी वो आई थिंक अनाउंसमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि अरे सुनिए एक बच्चा लाल चड्डी में खो गया है। उस चेक भी करते, हेलो 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 हेलो, चेक चेक चेक, साउंड चेक, एक बच्चा लाल चड्डी में खो गया है, उम्र 6 साल है, हर सुंदर औरत को अपनी माँ बता रहा है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सुंदर औरत सुनकर भीड़ मत लगाइए, आगे बढ़िए, मेले को आगे बढ़ाते रहिए, चेक 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 चेक। हाँ, ये आपका अपना मेला है, शताब्दी मेला, सिर्फ 50 रुपए एंट्री टिकट पे आप जीत सकते हैं बम्पर ड्रॉ के एक नई चमचमाती फटफटिया। शराब पी के मेले पर मत आना, शराब आपको मेले में ही मिलेगी। भाई साहब, भाई साहब, यहाँ मत, यहाँ शराब नहीं मिलेगी, यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, तो मैं कह रहा था वो बच्चे ने लाल चड्डी पहन रखी है, उम्र 6 साल है, सुंदर सुंदर औरतों को अपनी माँ बता रहे, सुंदर औरतें देखकर इसके बाप बनने की कोशिश ना करें। इससे पहले कि बच्चे की मूछे निकल ले, जिसका भी है 150 रुपए में ले जाइए, क्योंकि सुबह से 150 रुपए के चिप खा चुका है, जल्दी आइए। आपका अपना मेला, जापानी तेल प्रायोजित शताब्दी मेला। कार्तिक के मम्मी पापा भी यहाँ पे मौजूद है, कार्तिक को तो प्यार करते ही हैं, हमें भी बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच मैम शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मतलब जितनी बार भी कपिल शर्मा शो आपके शो में आया हूँ, ये हमेशा एक चीज ही बोलती है कि हमें वो शो में जाना है, कपिल शर्मा। थैंक यू। तो और मैंने एक चीज देखी है, माँ बाप की चॉइस अच्छी हो ना, बच्चे भी टैलेंटेड निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सुपर ब्रो, थैंक यू। अरे बहुत, अरे ऐसा लग रहा है अभी क्यों खत्म हो गया है ना, बहुत ही स्ट्रेस बस्टर था यार ये वाला एपिसोड भी, बहुत ही था। कार्तिक ने जो बाद में मेले वाली वो की है पूरी, मेले वाला जो ऐसा लग रहा था है सच में, सच में मतलब मेले में यही होता है, टाइम तो नहीं है ये, नहीं बचपन में बहुत होता था, अगर छोटे बच्चे जाते ना मेले में खो जाते हैं, तो फिर अनाउंसमेंट सेक्शन पे पेरेंट्स के पास जाते हैं, कपिल कहता अपनी मम्मी को, जबकि मुझे पता था आप ही भूली थी, आप ही भूली थी, और उसको पहले साल ही था, तो इधर आ इधर बहुत ही, मतलब मम्मी के साथ जो कॉमेडी टाइमिंग रहती है कपिल शर्मा की, वो तो हमेशा ही मस्त होती है। लास्ट हमने एक वीडियो देखी थी ना, उसमें क्या बोला था, बहुत ही दुख भरी दास्तां है मोहतरमा की, बहुत दुख भरी दास्तां, और धमाका मूवी सीरियसली बहुत गजब मूवी थी, हमने देखी थी, जो एक्टिंग इंटेंस, नॉर्मली पिक्चर में गुड्डू सोनू इस पीछे अर्जुन पाठक बिल्कुल, और जो सीरियस रोल था इस मूवी के अंदर बहुत गजब था, और मूवी बहुत अच्छी थी, और मुरल का भी बहुत इंटेंस वो दिखाया था, रोल दिखाया था न्यूज रिपोर्टिंग का बिल्कुल, जो पुल वुल का वहां पर जो सीन था बहुत गजब था, और कपिल शर्मा शो में अगर 4 चांद लग जाते हैं, और ये बहुत अच्छा लगा कि वो कह रहे हैं जब भी जाएगा हमें जरूर जाना कपिल शर्मा पापा का, ये बहुत बढ़िया था, और जो जो अरे मतलब फैन फॉलोइंग जो है ना बहुत नेक्स्ट लेवल है कपिल शर्मा, जैसे मुरल ने कहा ना कि मेरे को मेरे दोस्त कहते हैं, अरे उसको बोलना यार अपने डीएम चेक करेगा, हाँ बिल्कुल, खर्च कैसे बैठा हुआ कपिल का, वो देखा फिर उसने जो उसने पंच मारा, कहता हाँ मूवी तो 10 दिन में खत्म हो गई, बाकी 30 दिन क्या, मैं भी सोच रहा था 30 दिन बोला था वो, मैं भी सोच रहा 30 दिन क्या, 40 दिन होने लगे क्या, नहीं स्पेशली गर्ल्स में कार्तिक आ रही बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग, एक ये बहुत अच्छा बोला कहता देख ये हमारे शो के, हमें खुद ही नहीं पता हम कर क्या रहे, वो कह रहे डबल मिरर, ओ ऐसा अर्चना मैम जो बैठती ना वो भी बहुत मस्त, मतलब वो पंचलाइन बीच जो मारते हैं बहुत बहुत ही गजब होती है, और वो मेरे को पता नहीं था सेक्रेटरी गेम्स में
एक सीजन देखा शायद हाँ, हमने भी हाँ, वो एक ही देखा है। और गली बॉय में बिल्कुल नहीं पता था ये बिल्कुल, हाँ मुझे अब पता चला गली बॉय तो देखी थी उसमें बिल्कुल नहीं लग रहा था ये। कह रहे ऐसे 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 तीखा तीखा मुंह रखने के लिए क्या करना पड़ता है। कह रहे बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि हम दोनों की शादी नहीं। ये भाई साहब एक बहुत ही मस्त था, बहुत आई एम श्योर आप लोग को भी काफी मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से, चैनल तो सब्सक्राइब कर देना, और भी एपिसोड्स आप सजेस्ट कर सकते हो जिन पे आप रिएक्शन चाहते हो, बाकी वीडियोस भी आप सजेस्ट कर सकते हो। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर।